आरटीएस हॉस्पिटल से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और स्वागत इनका किया जा रहा है। और आपको बता दें कि वाइस ऑफ पानीपत पर हमने एक बच्चे की वीडियो दिखाई थी जो सांड ने उसे घेर दिया था और सांड से उसे चोट लगी थी और कोमा में था वो बच्चा। तो वो वीडियो देखकर डीसी साहब यहाँ पहुँचे हैं उस बच्चे के उस परिवार से मिलने के लिए। तो आईसीयू में वो बच्चा है तो आईसीयू में चलते हैं। तो उसी बच्चे से मिलते हुए उस परिवार से मिलते हुए डीसी साहब आप देख सकते हैं वाइस ऑफ पानीपत पर खबर देखकर डीसी साहब ने इस बच्चे के बारे में जानकारी ली और अब जानकारी जुटा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। सांड की टक्कर से ये बच्चा जो है घायल हुआ था और आरटीएस हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है, अभी कोमा में है ये बच्चा। तो मेयर अवनीत कौर भी मौके पर पहुंच गए हैं आरटीएस अस्पताल से, आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। वो बढ़ रही है, वो अभी कर रहा था, वो रिकवरी हो जाएगी। अजय सर एक चीज़ करना मैं कहना चाहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट लगा लो जो मर्जी लगा लो। एक तो आवारा पशु हैं जो, इनको कोई टिकाना बनाओ कुछ भी है, जो गौशाला वाले हैं जो उनके अंडर में है वो उठवाओ। एक आवारा कुत्ते ये बड़ा परेशान कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे बच्चे का हादसा हुआ ये लास्ट हो सर, आगे किसी के साथ भी ना हो, कोई भी ऐसा पिता हाथ जोड़ के ना खड़ा हो जी। ना, सर ऐसा है, आप हाथ ना जोड़ो, हाथ तुम्हें ऐसा है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। हमारी मैं तो एज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आपका डिप्टी कमिश्नर तो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मैंने बार बार मुहिम चलाई रोड सेफ्टी में कि भाई आवारा पशुओं को आप नहीं टैकल कर सकते, उनको रिफ्लेक्टिव टेप तो लगा दो। आप आवारा पशुओं की छोड़ो, लोग कहते आवारा पशु, उसमें कुछ डिसीजन भी आ गए हैं, जैसे कुत्तों का है, अब उनको रजिस्टरलाइज कराओ जी, उसका टेंडर कराओ जी, अदर उठा के ले जाओ कहीं, छोड़ाओ कहीं, और उन्हीं कुछ पशु प्रेमी हो जाते हैं। प्रशासन भी देखो कहीं, कहते ना मैन इज फ्री बट एवरी वेयर इज इन चेन, बधा हुआ है। जैसे भीष्म पितामह था हस्तिनापुर से बधा हुआ था, कितना बड़ा आदमी था फिर भी नहीं हट पाया, ऐसे भी हमारी भी एक लगाम है, हर आदमी एक लगाम में बंधा है, सिस्टम में बंधा हो कि इससे बाहर आउट ऑफ बाउंड आप नहीं जा पाओगे। रिफ्लेक्टिव टेप हम जरूर लगाएंगे। अभी हमने इवन मैंने ही मुहिम आते साथ स्टार्ट की, आपके नोटी ट्रैक्टर ट्रॉली भी आपका बहुत डेंजर चीज है, आवारा पशु की मैडम भी ट्राई करिए, पर वो जगह की बात है, पर हमने दोनों ने डिसाइड ये किया कि रिफ्लेक्टिव टेप हम हर पशु के ये लगा देंगे कि पशु या ट्रैक्टर ट्रॉली आपको दिखाई दे, दूर से पता चले, और ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। तो इलाज फ्री होगा ऐसा जो है अपील की है डीसी साहब ने, बातचीत करते हैं भाई क्या रहा, और परिवार वालों से मिलकर उन्होंने अपील भी की है कि शहर से जो आवारा और बेसहारा गोवंश है उन्हें निकाला जाए यहाँ शहर से। तो डीसी साहब ने क्या कहा, बातचीत करते हैं। सर क्या बात हुई परिवार वालों से और कैसे इलाज चला? मैंने लड़के को देखा, वो डे टाइम में हुई ये इंसिडेंट, डे टाइम में हुई। वो दरअसल उसको कहीं डाइवर्ट कर रहे थे कुछ बंदे, तो थोड़ा सांड जिसको कह जाते हैं अग्रेसिव मोड में आ गया, उससे इसको टक्कर मार दी उसने, तो उसे ब्रेन हेमरेज वगैरह नहीं हुआ क्योंकि इसने पग डाल रखी थी, हेलमेट की भी नहीं कह सकते कि हेलमेट नहीं डाल रखा, चोटें लगी हैं, पहले सीरियस था, पहले उसमें था वेंटिलेटर पे था, अब वेंटिलेटर पे नहीं है, M7 पे है। हम नॉर्मल आदमी का 14 होता है, इसका 7 है, जब आया था 4 पे है, रिकवरी पे है, बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैंने डॉक्टर ये अलावत जो इसको देख रहे थे जितेंद्र न्यूरो सर्जन है, उन्होंने कहा जी ठीक हो जाएगा। मैंने प्रशासन की तरफ से एश्योरेंस दे दिया कि भैया इनका कोई बिल, उन्होंने बताया जी पॉलिसी है, पर पॉलिसी पता नहीं कितने की है, स्टार पॉलिसी है, उसमें रिकवर हो पाएगा नहीं पाएगा। मैंने कहा यदि रिकवर ना भी हो पाए तो प्रशासन विल बेयर इट। तो बाकी मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि इस टाइप की
इंसिडेंट दोबारा ना हो, क्योंकि उसके फादर ने भी कहा कि मेरा बेटा तो बच गया, क्या पता ऐसा कहीं इस हादसों को रोको आप, तो ट्राई, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। परिवार वाले संतुष्ट हैं जी, क्योंकि आप मिलने आए हैं पहली बार, और आगे जो हादसे होंगे तो प्रशासन की तरफ से कुछ अमूमन ना ही हो तो अच्छी बात है। फिर ऐसा है हमेशा ना, वो एक ही बात कहते हैं, शुभ शुभ बोल, तो परमात्मा जब हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे नेक नीति से काम करेंगे तो सब शुभ शुभ होगा, सब अच्छा होगा और आगे एक्सीडेंट नहीं होंगे। मैं परमात्मा से भी दुआ करूँ, और फिर भी हम अपनी तरफ से वो एफर्ट्स करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो निकट भविष्य में। तो डीसी साहब थे, मिलने आए थे, वैश्व पानीपत की खबर का ये असर हुआ कि अब प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है, पूरा जो मेडिकल का खर्चा है वो प्रशासन अपने जिम्मे ले रहा है, और डॉक्टर से भी अपील की है कि ज़्यादा बिल ना बनाएं। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो मेरा विनीत कौर भी परिवार वालों से मिलने पहुंची है, अब बच्चा जो है पहले से ठीक लग रहा है, मेरे से बातचीत करते हैं, परिवार वालों से मिले हैं, क्या उन्होंने अपील भी की होगी आपसे, क्या है उनका अभी स्टेटस क्या है? अभी परिवार वालों से मिलना हुआ, डीसी साहब जैसे यहाँ पर आए तो उनके साथ ही मैं आई, और बेटर ये है कि सिचुएशन जो है वो ठीक है बच्चे की, और आउट ऑफ डेंजर है बच्चा, जो है डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और परिवार वालों से बात हुई है, और डीसी साहब ने सबके सामने बोला है कि जितना भी इलाज का जो भी खर्चा आएगा वो सब प्रशासन अपने हिसाब से उठाएगा, और जो मदद आरटीओज वाली टीम जो कर पाएगी वो करेगी, नहीं तो प्रशासन जो है सबका खर्चा सब उठाएगा। कल आप डीसी साहब से भी मिली थी, आवारा पशुओं के जानवरों के बारे में बातचीत हुई है, उसके बारे में क्या है? एक्चुअली कल मैं फ़र्स्ट टाइम न्यू डीसी आए हैं हमारे, मैं उनसे कल मिलने पहुंची, तो मैंने उनको बताया कि पानीपत के अंदर काफ़ी टाइम से एक समस्या चल रही है बेसहारा गोवंश को लेकर, और नगर निगम इसके अंदर बहुत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर सक्सेस हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम लोग पूरे गोवंश जो है नहीं उठवा पा रहे हैं। हम लोग पर मंथ निगम 4 लाख दे रहा है, और उसके बावजूद भी अभी नैन गौशाला वालों ने गोवंश लेने को फिर मना कर दिया। मैंने ये सब बात उनको बताई है, और हमने 1 लाख का ऑफर उनको और उसमें उसको एक्सटेंड किया कि 4 लाख से 5 लाख हम कर देते हैं, आप हमारे गोवंश रखने शुरू कर दो, बट उसमें भी वो नहीं मान रहे। तो मैंने उनको ये कहा कि एक बार नैन गौशाला वालों के साथ मीटिंग करो, उनके चेयरमैन के साथ, ताकि हम लोग जो है जो काम चल रहा है वो चलता रहे, और साथ में जैसे डीसी साहब ने बताया कि हम लोग हाईलाइटर्स लगवाएंगे जितने भी बेसहारा गोवंश हैं उनके ऊपर, ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच, रात को कोई भी अगर एक्सीडेंट इनसे हो रहे हैं तो वो एक्सीडेंट ना हो, दूर से ही पता चल जाए। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से डीसी साहब इस चीज़ को बहुत जो है इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इतना पॉजिटिव मैसेज जो है पूरे पानीपत में डीसी साहब ने आज दिया है, और मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इसके अंदर पूरी हमारी हेल्प करेंगे, हम नगर निगम के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ये काम करेगा। बिल्कुल, मेयर अवनीत कौर थी, बच्चे के पिता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। आज डीसी साहब आए थे, क्या बातचीत हुई आपकी और इलाज का क्या क्या किया? डीसी साहब आए सन जी, उन्होंने इलाज का पूरा खर्चा अपने उत्ते लिया जी, तो कहते असी बच्चे का जो भी इलाज होएगा वो असी आप करांगे, क्योंकि मेरे को एक पॉलिसी है, पॉलिसी मेरी खत्म का जोड़ा बकाया से सारा खत्म होने वाला है, बाकी उस बाद जो भी वो डॉक्टर कह के ने कि जो भी इलाज का खर्चा है असी पे करांगे जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਂ ਬੇਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੀਏ ਆਰਟੀਓ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੇ ਆਪ ਲਾਈਵ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ, ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਵੈਸ਼ਵ ਪਾਨੀਪਤ ਕੀ, ਔਰ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੋ ਬੱਚੇ ਕਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਅਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਆ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੁਦ ਪੇਨ ਲੈ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਉਤਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਕਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੀ ਟੀਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ, ਔਰ ਆਰ ਟੀ ਓਜ਼ ਕੀ ਟੀਮ ਕਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰਸ ਕੀਆ ਹੈ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ कम से कम वो बिल बनाएंगे और जितनी हेल्प हो सकी वो खुद करेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्रशासन जो है इसका खर्चा और जो आरटीओ हॉस्पिटल की टीम है वो उठाएगी। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।